फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 21st रोज़ा, तो 21st रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, मेडिसिन तो नहीं लिया, बस अल्लाह से दुआ किया कि बस ये पेन को कम कर दे। तो बेशक अल्लाह तो हर दुआ कबूल करते हैं, और हमें हम दुआ करने के बाद यकीन भी रखना चाहिए कि हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और पीछे हादी खेल रहा, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और अभी हम लोग की ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई, सहरी हो गई थी हमारी, फजर की नमाज़ हो गई थी, फिर ज़ोहर की नमाज़ हो गई। अभी हम जाएंगे पकाने के लिए। सो आज हम लोग बना रहे चिकन चीज़ ब्रेड रोल, और बनाऊंगी मैं रात के लिए चिकन चिल्ली। सो देखते हो, अगर चिल्ली की रेसिपी शूट कर पाई तो डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। तो प्रिपरेशन करते जाती हूँ, फिर आपको बताते जाती हूँ। और आगे इफ्तारी के बाद मैं कोई चीज़ें शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इफ्तारी के बाद में फ़ौरन से मैं सो जाती हूँ, पूरा सब कुछ काम छोड़ के एकदम से मैं सो जाती हूँ। इतनी थकान आती है ना, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती है, और फिर सुबह में सहरी करते ऑफिस होते हैं, तो नींद पूरी नहीं होती है, और फिर इफ्तारी के बाद में थकान की वजह से सो जाती हूँ मैं। और फिर उठती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर तोसीफ़ आ जाते हैं, फिर नमाज से फिर हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ा एडिटिंग करके ऑफिस सो जाते हैं। फिर ऑफिस से सोती नहीं हूँ मैं, थोड़ा कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखते रहती हूँ या इंस्टाग्राम पे देखते रहती हूँ, और फिर हम लोग सहरी कर लेते हैं। वैसे ही रूटीन चल रहा है सबका। तो चलो मिलते हैं रेसिपी के साथ। अभी इसको खाना खिला दो, इसको भूख भी लगी है, और बेचारा अभी सोफे पे से गिर भी सकता है। सो मिलते हैं रेसिपी के साथ। चिकन चिली के लिए मैंने इतने बोनलेस भी हैं, और एक विंग का पीस है मेरे पास, तो कम से कम 6 to 7 पीस है। अभी इसको मैं मैरिनेट करूँगी मेरा 3G पेस्ट के साथ। ये 1.5 टीस्पून 3G पेस्ट चला गया। अब जाएगा सोया सॉस, चला गया सोया सॉस। अब जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, मैदा, एग वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिंपल एज इट इज़ उसको मैरिनेट करना है, एज इट इज़ उसको फ्राई करना है। मैं इंडो चाइनीज़ बनाती हूँ, यानी इंडियन मसाले भी यूज़ करती हूँ और चाइनीज़ मसाला भी यूज़ करती हूँ, और इतना यम्मी लगता है ये वाला चिकन चिली। अभी ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट। आपको पता है मैं हैंड से डालती हूँ, बिकॉज मुझे हाथ पे अंदाज़ा समझ में आता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे जब तक हमें पकाना है। दूसरे इन्ग्रीडियंट्स हमें जो लगने वाले हैं, जो मैंने करके रख दी हूँ, मैंने गार्लिक चॉप करके रख दी हूँ। ये अनियन को ऐसे पील करके हम लोग निकाल लेंगे अलग से। कैप्सिकम को ऐसे हम लोग पीसेस में कट कर देंगे। आपको बड़ा चाहिए आप बड़ा ले लो, मैंने 1/2 ली कैप्सिकम, और ये इतनी नहीं जाएगी चिलीज़, 2 ही जाएगी, और 2 मुझे उसके लिए चाहिए चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए। सो ये इतनी चीज़ें जाएगी हमारी इसके अंदर, क्या बोलते हैं, चिल्ली के लिए। ठीक है, तो फिर रेसिपी के साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं चिकन चीज़ ब्रेड रोल बनाने के लिए। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, अभी इतना ही कट किया हुआ 1/2 प्याज है, और थोड़ी सी कैप्सिकम है, वो डाल देंगे हम लोग इसे, और इसको सॉटे करेंगे। इतना सा मुझे मतलब 5-6 बनाऊंगी ना मैं, सिर्फ इसलिए इतना ही यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सटेंड करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होए तक करना है। और फिर हमें बॉइल्ड एंड शेडेड चिकन डाल देंगे। ये रहा हमारा बॉइल्ड एंड शेडेड चिकन, अभी इसमें ये डाल देंगे। ये डाल दिए चिकन, अभी इसको भी थोड़ा इसके साथ में भून लेंगे, क्योंकि इसको हमने 3G पेस्ट डाल के बॉईल करते हैं, तो इसके अंदर जब भूनेंगे ना ऑयल में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हमें चिकन को। सो बताती हूँ, पहले इसको थोड़ा भून लेती हूँ, फिर बताती हूँ। अब इसमें जाएंगे 1 by 1 स्पाइसेस, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगेनो, और हमारा चिली सॉस और सोया सॉस। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दी है यहाँ पर चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। ये डाले हमने थोड़ा सा कोथमीर कट करके। ठीक है, अभी तक मैंने चीज़ ग्रेट नहीं की फ्रेंड्स, अभी डालूंगी मैं इसमें चीज़। ये देखिए चीज़ ग्रेट करके डालें,
आप चाहिए तो ऐसे ब्रेड में भी स्लाइस वाली चीज़ को ऐसे थोड़ा सा कट करके जितना ब्रेड में रिक्वायर्ड है फिर डाल के फिलिंग भी डाल सकते हो। एक मैं ट्राई करूँगी वैसा वाला भी, पर मैंने भी इसके अंदर डाल दी मैंने। ठीक है, अभी इसको ब्रेड में हम लोग ब्रेड को साइड की कटिंग्स करके उसको फ्लैट करेंगे, इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना डालेंगे फिलिंग्स, और अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के फिर फ्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं वैसे वाले, तो ब्रेड में मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है जब हम अंडा और ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करते हैं तो ब्रेड को। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको कूल होने देते हैं और ब्रेड की प्रिपरेशन करते हैं। सी फ्रेंड्स, जैसे ब्रेड को ना बेलन की मदद से ना इसे फ्लैट कर देना है हमें, अच्छे से बेल दोगे ना तो ये अच्छे से इसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ऐसे फिलिंग भरेंगे यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे रोल करेंगे और उसको अच्छे से यहाँ से पानी की मदद से ऐसे ऐसे चिटका देंगे, साइड से सील कर देंगे। और फिर यहाँ पे मैंने एग को बीट करके रख दी हूँ, इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स को कोट करके फ्राई कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आफा की हेल्प से बता रही हूँ मैं आपको कि इतनी फिलिंग रखनी है आपको जितना का आपका ब्रेड है, अगर आपके पास बड़ा ब्रेड रहेगा तो उसमें ज़्यादा चला जाएगा। और फिर हमें इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, अच्छे से इसको टक कर लेना है और ये अच्छे से ऐसा पानी में डिप करके सील करना है, बताती हूँ मैं। ये देखिए, इसको ऐसे मैंने थोड़ा सा पानी में डिप कर दी तो ये सॉफ्ट हो गया ब्रेड, ये अपने आप ऐसे सील हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, अब इसको हम लोग डालेंगे एग वॉश में, हमारे यहाँ पे हमारा जो एग है इसमें ऐसे डिप करेंगे। और ये रहा हमारा ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर इसको कोट कर देंगे। करो हार्दिक, आफा का हाथ पेन हो रहा है तो मैं इतना क्लिप रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये ब्रेड के जो रोल्स हैं वो रेडी हैं, क्योंकि अभी मैंने इतने इसलिए बनाई हूँ, और दो बन सकते थे पर तो उसे बाहर से भी थोड़ा सा कुछ लेकर आने का बोल रहे थे, तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा ना इतना। तो अभी इसको हम लोग डीप फ्राई मतलब या शैलो फ्राई जैसा भी करना है करो, और फिर मिलते हैं आप बिस्तर पर। सो फ्रेंड्स, बाहर से भी हमारी इफ्तारी आ गई है, सो देखते हैं कि आज क्या लग रहा है। कांडी वाला ना, और ये रशियन कटलेट, क्रिस्पी चिकन ना, क्रिस्पी चिकन तो फ्रेड चिकन भी बोलते हैं। ये भी मुझे ट्राई करना है, घर में बनाऊंगी मैं फ्रेंड्स। और ये है हमारा शाही रोल, और ये हमारा लगड़ा, लगड़ा बोलते हैं कि लगड़ा बोलते। सो ये, और ये मेरे जो मैंने घर में बनाई है वो। सो खाते इफ्तारी पे, अभी हादी को रोना बहुत आ रहा है तो मिलते हैं बाद में। ऐसे तौसिफ शूट कर रहे थे और हादी ने सही से करने नहीं दिया, तो मैं वापस से बताती हूँ। ये रहा रगड़ा और ये रहा हमारे स्टार्टर्स, जो कि हम लोग के लिए इनफ है, सिंगल सिंगल में बहुत हो गया। और ये तो मैंने घर में बनाई थी ब्रेड चिकन चीज़ रोल। सो अभी इसको हम लोग खा के इंजॉय करेंगे। इफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैंने चिकन चिली की रेसिपी तो रोक दी थी, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा एक नैप भी लेके उठ गई फ्रेंड्स। जैसे मैं कहती हूँ ना, इफ्तारी के बाद मैं थोड़ा सा सोना प्रिफर करती हूँ, तो थोड़ा सा सो गई थी। सो अभी मैंने बताती हूँ, मैं चिकन फ्राई करके रख दी हूँ मैंने, जो सुबह से मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्राई हो रही है अच्छे से। इसके अंदर मैं ना कोई कॉर्नफ्लावर मैदा ना अंडा वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, नॉर्मल ही फ्राई करती हूँ इसको। ठीक है, अच्छे से ऐसे फ्राई हो जाएगा, स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। ये हम लोग के लिए इतना इनफ है क्योंकि वन टाइम ही खाना है। हाँ फ्रेंड्स, आपको जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा बनाना, नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फ्राई करके ऐसे निकाल के रख दी प्लेट में, और अभी सेम ऑयल में ही हम लोग हमारे लहसुन और वो डालेंगे ग्रीन चिली स्प्लिट करके। देखिए, सेम ऑयल में ही मैंने डाल दी ग्रीन चिली और लहसुन, जो हमने चॉप करके रख दिए थे पहले से ही। इसे पहले से कटिंग वगैरह करके रख दो ना तो इजी हो जाता है, हमारे स्टेप्स इजी हो जाते हैं पकाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जाएगा शिमला मिर्ची और प्याज।
जो ऐसे क्यूब फॉर्म्स में हमने जो शिमला मिर्ची और प्याज को कट करके रखे थे वो इसी के साथ में अभी सॉटे कर लेंगे। वेजीज को ये ज़्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस होंगे तो आप वो भी डाल सकते हो, उसका ऑनियन पार्ट भी। ठीक है, अभी इसमें सारे सॉसेस जाएंगे, वन बाय वन बताते जाती हूँ। ये गया मेरा डार्क सोया सॉस, मैं बताने भूल गई थी और मैं डालना भी भूल गई थी ये कड़ी पत्ता। ये डेफिनेटली इंडो चाइनीज़ फ्लेवर बनाते हैं तो इसके अंदर कड़ी पत्ता डालना ही है फ्रेंड्स। ओके, हाफ टी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, अब जाएगा इसमें धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा ही डालना है फ्रेंड्स। ये सिर्फ हम लोग इंडो चाइनीज़ फ्लेवर दे रहे इसीलिए हम लोग धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और एक चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे, दैट्स इट। ये देखिए फ्रेंड्स, धनिया जीरा पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाल दी, रेड चिली पाउडर भी डाल दी और इसके ऊपर ये शेजवान चटनी भी डाल दी। सॉल्ट इस वक्त नहीं डालूंगी मैं, बिकॉज सोया सॉस में और ये शेजवान चटनी वगैरह में सॉस बहुत सॉल्ट बहुत होता है। और अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा शक्कर, शक्कर हम लोग डालेंगे थोड़ा बैलेंस करने के लिए। ये देखिए सिर्फ दो चुटकी भर के जिससे इतना ही शुगर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, और केचप तो बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है, पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा चिल्ली का। अब इसको अच्छे से कुक करेंगे और चिकन डाल देंगे। ये चला गया चिकन भी इसके अंदर, अभी इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से हम लोग कुक करेंगे और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना वाटर डालेंगे और फिर हम लोग कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के डाल देंगे इसके थिकनेस के लिए। इतना ही इजी होता है पर ये टेस्ट सच में बहुत अच्छा लगता है, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल है, इंडो चाइनीज़ बोलते हैं जो भटियारी लोग बनाते हैं ना हमारे, तो वैसे ही टेस्ट करता है सेम। आप अखे गार्लिक भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है, अभी इसको मैं पानी डाल के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर ये टाइम पे अगर आपको चिकन चिल्ली ड्राई खाना है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का स्लरी अभी डालिए बिना पानी के, तो ये चिकन चिल्ली ड्राई हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा ग्रेवी फॉर्म में चाहिए तो इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। ठीक है, हाफ ग्लास जितना मैंने पानी डाल दी फ्रेंड्स इसके अंदर, हमें फ़िलहाल इतना वन टाइम के लिए इतना इनफ हो जाएगा। अब इसको जब बॉयल आ जाएगा ना फिर हम लोग कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल देंगे। ठीक है, तब तक इसको चिकन के साथ में पकने देते हैं ताकि चिकन का भी स्टॉक थोड़ा इसके अंदर उतरे। ठीक है, और ये ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स, ये बहुत यमी बनती है। ये 2 टीस्पून जितना मैंने कॉर्नफ्लावर को इसमें 4 टेबलस्पून जितने पानी डाल के घोल दी, अब जितना रिक्वायर्ड रहेगा उतना। देखो ये हमारी इसको ग्रेवी को बॉयल आ रहा है ना, अभी इसको बॉयल होने देते हैं अच्छे से और फिर हम लोग हमारा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें हाफ कटोरा जितना कॉर्नफ्लावर था ना वो डाल दी मैंने। अब हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे, थोड़ा मैंने बारीक करी बिकॉज ना हाथ पे मेरे हीट मार रहा था, पर आप लोग हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा कुक करना और फिर स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक कॉर्नफ्लावर को पकने देना। आपको जितना थिक ग्रेवी चाहिए, इससे थिक चाहिए तो अभी 1 टीस्पून मैं और डाल दूँ सोच रही हूँ, बिकॉज तो सिर्फ थोड़ी थिक अच्छी लगती है आपको, अगर ये कंसिस्टेंसी ठीक है खाने के लिए, पर ये थोड़ा प्रेफर करते हैं थोड़ा सा थिक। और आप लोग ये खा के मुझे ज़रूर बताना बना के कमेंट सेक्शन में। तो अब तक के लिए इतना ही ब्लॉग रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए सबको, सारी उम्मत को, और मगफिरत के लिए दुआ करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।